नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश कुमार और आप देख रहे हैं लाइट वीडियो। मैं तो बहुत अच्छा हूं, उम्मीद करता हूं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि अभी आप लोग जान रहे हैं दोस्तों कि हम लोग कुछ दिनों से संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखा गया किताब जो कविता संग्रह है और किताब का नाम एक मोनी फूल है, उसे हम लोग पर डे कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए चलिए, आज का जो कविता है वो है पपीता खेती। आज हम लोग इसको देखते हैं। तो देखिए क्या बोलते हैं, पपीता खेती कैसे करने बोलते हैं कवि जी, तो ज़रा इसमें ध्यान दीजिएगा। करा भाई पपीता खेती, चास बासे देहक मती, जमीए देहक गुलगुलाए चास, घरे हो दो लक्ष्मी वास। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि करा भाई पपीता खेती, जितने भाई लोग हैं सब पपीता खेती कीजिए, अच्छा से उसमें जोतिए, ठीक है, और इतना जोतिए और इतना उसको जो है गुलगुला दीजिए। गुलगुला देने कहने का मतलब क्या है कि जब देखिएगा, जब भी कभी हल चलता है तो एक बार जब चलता है तो उसको क्या होता है कि बड़े बड़े जो है मतलब थोड़ा सा ढेला टाइप से होता है, हम लोग ढेला बोलते हैं उसको, ठीक है। तो उसको जो है दो तीन बार जब चास कर देते हैं ना तो वो क्या हो जाता है, गुलगुल हो जाता है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, ठीक है। तो वही करना बोल रहे हैं, और घर यहाँ तो लक्ष्मी पास, अगर आप कभी तक पपीता खेती कीजिएगा ना तो लक्ष्मी के पास बेचिएगा तो भाई लक्ष्मी तो आएगा ही ना। आगे है, बिछावा पहले पांक माटी, तकर ऊपर गोबर सार पाटी, माघ मासे करा पपीता चारा, समय समय देहक झारिक धारा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बोलते हैं कि पहले जो है पांक माटी को बिछा दीजिए, ठीक है, उसके ऊपर गोबर जो है, गोबर को मतलब अच्छे से मिला दीजिए उसमें। माघ मास में, माघ महीने में क्या करना है, पपीता का ये करना है, खेती डालना है, ठीक है। समय समय देना है उस पर, मतलब पपीता का दाना लगाना है और समय समय पे क्या करना है आपको, पानी भी देते रहना है। आगे है, चैत मास है छः छः फीट, धूरे धूरे चारा लगा घरे बहरे, खाली जगहें लगाबा भर बाटी, जकर से मिलते विशेष सूटी, ठीक है। देखिए जैसे चैत मास में छः छः फीट तक, छः छः फीट के दूरी पर उसको क्या करना है, लगा देना है, ठीक है। चारा लगावे घरे बहरे, खाली जगहें लगावा बराबाटी, और जो छः छः फीट की दूरी पर आप लगा रहे हैं, जो बीच में जो खाली जगह पड़ रहा है ना, तो खाली जगह में और कुछ दे सकते हैं, जैसे मिर्चा वगैरह दे सकते हैं, जिससे आपको और कुछ मिल जाएगा, ठीक है। पुई सागर मिर्चाए बारह मास, तबे देखबे खेतिक तमाशा, पुई साग आर मिर्चाए बारह मासा, तभी देखबे खेतिक तमाशा, 35 दिन पपीताएँ आई तो फूल फल, मेहनत कखनो जैतो नहीं सफल। देखिए जो आपका जो बोला था कि 6-6 फीट की दूरी पर लगाना है, तो क्या कीजिए, पुई साग, पुई एक साग होता है, ठीक है, पुई साग लगाइए और 12 मासा जो होता है वो मिर्चा लगा दीजिए, उसके बाद देखिए खेती का तमाशा कि आपको जो है पपीता के खेती के साथ साथ क्या क्या अरजते हैं, ठीक है। 35 दिन पपीताएँ तो फूल फल, अब जब आपका पपीता बड़ा बड़ा हो जाएगा ना तो 35 दिन में आपका क्या होगा, आपके फूल फल आना स्टार्ट हो जाएगा, और मेहनत कखनो जैतो ना निसफल, और मेहनत कभी आपका बेकार नहीं जाने वाला है। अबे देहाग रासायनिक सारक सारक पर्सन, तबे मिलता बड़ा बड़ा फल एक दर्शन, गाछ पे छो 250 ग्राम सुफला सार, इस समय ठीक पड़ता महीना आसार। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अब देना, अब क्या देना है कि रासायनिक सारे प्रसरण तब मिलता तो बड़ा बड़ा फल दर्शन, आपको कुछ खाद पानी भी देना है, खाद पानी दीजिएगा तभी आपका बड़ा बड़ा जो है फलेगा पपीता। गाछ पे छो 250 ग्राम, आपको गाछ पीछे कितना देना है, जो सुफला जो होता है ना उसको देना है कम से कम 250 ग्राम, ठीक है, बोले तो एक पौवा, ठीक है। इस समय ठीक पड़ते हो महीने आषार, कब कब देना है, जब आषार का महीना रहे। बाजार खजे हो तो भादर मासे, नए बेसी दिन रहे हो तो वासे, चास कर लें टूना गाछे, गर्मी के दिने बेसी फलन हो तो रखिए मन है। देखिए यहाँ पे बाजार खोजना होगा कब, तो भादर मास में, भादो मास में आपको पपीता इतना फलेगा कि आप जो है संभाल नहीं पाइए, अगर आपको बाजार में जाके बेचना पड़ेगा, ठीक है, और इसके लिए आपको ज़्यादा दिन आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, नहीं रहे हो तो वासे, ठीक है। चास कर लें टूना गाछे गर्मी के दिन है, और जो गर्मी के दिन में आपने जो खेती किया था बेसी फलन हो तो रखे मन है, और ये जो है आपको बहुत ज़्यादा फल देगा, ये आप अपने ध्यान में रख लीजिएगा। 10% नर गाछ रखिए बगाने, बाकी सब मारी दे तक पराने, ठीक है, और बाकी तो उसमें क्या करना है। आगे है,
90% गाछ रह तो मादा तकर में फल। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि 90% जो क्या करना है, गाछ जो पपीता का गाछ रहेगा वो क्या रहेगा, मादा रहेगा, उसी में क्या लगेगा, सबसे फल ज़्यादा लगेगा। ठीक है, प्रति डिसमिल टाका 1,000 आए हो तो एखन जैसन बाजार, पपीते हम बड़ी फूड वैल्यू, मानुष के बनावे जैसन पाथर गोलू। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रति डिसमिल में क्या क्या कितना अर्जे होगा, टाका 1,000 तक का इनकम हो जाएगा। ठीक है, आय हो तो एखन जैसन बाजार, और जैसे मतलब पैसा इतना होगा, लगेगा जैसे एकदम पूरा बाजार में कैसे एकदम अनाप शनाप होता है उस टाइप से। ठीक है, पपीता है हम बड़ी फूड वैल्यू। देखिए आपका जो है बहुत सारा विटामिन जो है वो पपीता में पाया जाता है, उसी के बारे में बात किया गया है। मानुष के बनवे जैसे पाथर गुलू, और मनुष्य को जो है एकदम ताकत देता है, फुर्तीला बनाता है पपीता खाने से। आगे है, दूर हवे के एकर से लीवर टरबूल, सभे रोग जाए नखे भूल, हकई ईटा 12 मास आमदनी सोत, बुढ़ारी में बुढ़ावे आँखें जोत। देखिए अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि दूर हवे के एकर से लीवर ट्रबल। ठीक है, मतलब आपका जो है अगर लीवर में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, लीवर में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसका ट्रबल को क्या करता है, ये दूर करता है इसको अगर रोज़ाना सेवन करते हैं तो। ठीक है, और भी कई कई तरह के रोगों को क्या करता है, ये दूर भगाने का काम करता है। हके ईटा 12 मास आमदनी, मतलब ये आपका 12 महीना आमदनी का स्रोत हो जाता है। ठीक है, ये सोर्स हो जाता है आपका 12 मंथ के लिए इनकम करने का। ठीक है, बुढ़ारी में बुढ़ावे आँख का जो होता है, अगर बुढ़ारी में कोई इसको अगर रोज़ सेवन करता है तो आँख का जो रोशनी जो है उसे बढ़ाता है। बेसी मात्राएं कर लें अगर चास, पूरन हो तो बड़ो बड़ो अभिलाष, बाड़ी ये तो लिविंग स्टैंडर्ड रखे हो तो सब समय गारर। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर बेसिक बेसिक मतलब क्या, अधिक से अधिक, अगर अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इसकी खेती करते हैं पपीते का, ठीक है, तो समझिए पूरन पूरन हो तो बड़ो बड़ो आस, मतलब आपका बड़ा बड़ा जो भी इच्छा है, जो आप चाहते हैं, जो पैसे के अभाव में जो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उसको आप जो है इसके खेती के थ्रू और इसके इनकम के जरिए आप उसको पूरा कर सकते हैं। बाड़ी जी तो लिविंग स्टैंडर्ड रखे हो तो सब समय गारंट, और लिविंग स्टैंडर्ड जैसे एक होता है कि एक प्रोफेशनली जो रहता है सो, या एक गरीब जो रहता है सो, तो जिसके पास पैसा आता है तो ऑटोमेटिकली उसका लिविंग स्टैंडर्ड भाई चेंज हो जाता है। तो वही चीज़ कहना है कि बड़ी जी तो लिविंग स्टैंडर्ड रखे हो तो सब समय गारंट, और अगर आपका जो है अगर बड़ा खेती होगा तो आपको जो है उस खेती को रखवाने के लिए गार्ड भी रखना होगा। आगे है, दाना खातिर पाती लिखा गणेश सरकार, जकर जितना पड़ता दरकार, हपनियों गाँव में उनखर वास, नगर उखाएँ डाके के निकास। ठीक है, देखिए यहाँ पे दाना खातिर पत्ते, मतलब दाना के लिए जो है आप पत्र लिखिए, किसको, गणेश सरकार को जो है पत्र लिखिए। ठीक है, जेकर जितना पड़ता दरकार, आपको जितना रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे देखिए दाना के लिए क्या करना है, पाती, पाती मतलब पत्र लिखना है। ठीक है, किसको, गणेश सरकार को, जेकर उस टाइम होगा कोई गणेश तो उन्हीं का सरकार होगा, तो उन्हीं के बारे में बोला गया है। ठीक है, जेकर जितना पड़ता दरकार, जिसका भी जितना रिक्वायरमेंट है, अगर किसी को मन के चलिए 4 डिसमिल में लगाना है, किसी को 10 डिसमिल में लगाना है, तो जिस हिसाब से जिसको ज़रूरत पड़ेगा उस हिसाब से वो आवेदन दे करके अपना ये करेगा, बात को रखेगा। हपनिया गांव है उनकर वास, नगर उखराएँ डाके के निकास। हपनिया गांव ये कहाँ है मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन होगा इधर ही कहीं। ठीक है, बोकारो तरफ या फिर रामगढ़ तरफ कहीं पे होगा। अब हपनिया गांव में है उनका क्या है, वास है, किसका, गणेश सरकार का। ठीक है, नगर उखराएँ डाके निकास, आप जो है उनको खाली बोलने का दरकार है। नदिया जिला पश्चिमे बंगालें, जीवन जापन करा निहालें, संतोष भाई भाई दिन रात माने माने, सरकार दिए पार्थो ने नौकरी जने जने। देखिए यहाँ पे, ठीक है, नदिया जिला जो है जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, कहाँ पे पड़ता है, नदिया जिला जो पड़ता है कहाँ पे पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। जीवन जापन करा निहालें, और अपने जीवन को सुख खुशी से मतलब व्यतीत कीजिए। संतोष भाई, संतोष जो हैं कवि जो हैं लेखक जो हैं, दिन रात मन में सोचते हैं सरकार दिए पार्थो ने नौकरी जाने जाने। ठीक है, अगर हम लोग खेती नहीं करेंगे तो भाई सरकार तो ऐसा है ही नहीं कि हर किसी के घर से है एक एक आदमी को नौकरी दे देगा, तो ऐसा तो है नहीं। वही चीज़ इनका कहना है, मन में सोच रहे हैं दिन रात में कि अगर आप नहीं काम कीजिएगा तो सरकार के अंदर में इतना तो पावर नहीं ना कि सबको नौकरी दे देगा।
जो हर करी कहा ही वो सब सजने, चास वासे मन देहक सब जने, उत्तम खेती मध्यम बान, नीच चाकरी भीख निदान, मन लगाए सफल करा सभी नी बखान। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कहना है इनका कि जो हर मतलब सबको बोल रहे हैं, हाथ जोड़ जोड़ के सब सज्जन सब पुरुष से बोल रहे हैं कि आप जो है खेती के प्रति चास वासे मन देहक सब जन है, जितना ही लोग हैं सब अपना मन रखिए, आप कितनों कुछ अलग चीज़ कर रहे हैं लेकिन खेती के प्रति अपना ध्यान को रखिए, अगर खेती से ध्यान हटाए तो समझिए आपको बहुत कुछ प्रॉब्लम झेलने वाला है। ठीक है, उत्तम खेती मध्यम बान, आपको अगर उत्तम खेती होता है तो नीच चाकरी भीख निदान, अगर आपको जो है समझो एकदम क्या बोलते हैं मध्यम बान कहने मतलब मध्यम बोली हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर आपका अच्छा खासा खेती होता है तो आपका क्या है नीच चाकरी कुछ करना नहीं पड़ेगा और भीख निदान किसी के आगे भीख भी नहीं मांगना पड़ेगा। ठीक है, मन लगाए सफल करा सभी नहीं बकान, और इस बात को जो मन लगा के सब जो है आगे बढ़ाइए। तो दोस्तों आज जो हमारा जो कविता था पपीता की खेती वो आज ख़त्म हो गया, और कैसा लगा आप लोग को ये ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा आप लोग। ठीक है, वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, धन्यवाद।